मानते हैं। जब ये पी करके बच्चों को अनाप शनाप कहेंगे, मारेंगे पीटेंगे, करने की कहेंगे कि तू भाग जाए, ये भाग जाए, तुम किस साहब। सबसे बड़ी उसकी गलती यह है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल ना, हम उसके पास गए, बिल्कुल वो खुद हमारे पास वीडियो बनाने। अब देख रहे हो किस तरीके से बाबा के तेवर बदल गए हैं। जहाँ पर बाबा दिन में 200-300 रुपये नहीं कमा पाते, अब गौरव वासन की वजह से वो वहाँ पर हजारों रुपए कमा रहे हैं, फिर भी बाबा उसको धन्यवाद नहीं बोल रहे हैं। अब बाबा की पहले की वीडियो देखो, जहाँ पर बाबा रो रहे थे कि उसके पास कोई लोग खाना खाने नहीं आते, इसीलिए गौरव ने उसको मदद करने के लिए कहा था। अब आप देखो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं भी इस तरीके की ही ब्लॉगिंग और साथ में फूड ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ। मुझे गौरव का साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यार वो बंदा बिल्कुल जेन्युइन है। आप पूरी वीडियो देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके। किस तरीके से बाबा इस वीडियो के अंदर रो रहे हैं, और बाबा के इसी कारण से लोगों ने बाबा के साथ कनेक्ट हुए थे इमोशनली, और वहाँ पर जाकर बाबा के साथ खाना खाया था, और बाबा के साथ बहुत सारे वीडियो बनाए, बाबा को बहुत सपोर्ट किया। और अब देखो बाबा ने उसके साथ, गौरव के साथ क्या किया। आपकी कोई मदद करता है तो आप उसको धन्यवाद करो, ना कि उसके जाकर कंप्लेंट करो। और जहाँ पर मुझे पता है गौरव बिल्कुल गलत नहीं है, आप वीडियो देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, और बाबा का एटीट्यूड देखो किस तरीके से बदला है। सर 2 मिनट आपके लेना चाहेंगे, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो मामला है, आपने गौरव वसन के ऊपर अब केस कराया है, और अभी आप पुलिस स्टेशन में थे, क्या बात हुई आपके अंदर? अब हमने जो उनको करवा दिया है, हैं, अब वही जो करेंगे वही करेंगे। नहीं, आपने क्या रिपोर्ट क्या कही अपनी है? आपने क्या अंदर अपनी रिपोर्ट में वहाँ लिखा हुआ, जाकर वहाँ चेक करवा। इन्होंने गौरव हमारे साथ विश्वासघात किए आपने। अब देखो बाबा मीडिया वालों को क्या कहते फिर रहे हैं कि मैंने उसको नहीं बुलाया था, वो खुद से वीडियो बनाने आया था। अरे भाई, तुम उस वीडियो के अंदर रो रहे थे कि तुम्हारी कोई मदद नहीं करता, तुम्हारे पास कोई खाना खाने नहीं आता, अब कोई तुम्हारी मदद करने के लिए आया तो तुम उल्टा ही उसको बोल रहे हो। आप ये वीडियो देखो, और इसके बाद देखो लोगों का रिएक्शन क्या है। बाबा को जिसने इतना कुछ किया और बाबा उसके साथ ये कर रहे हैं, तो लोग इसके बारे में क्या बोल रहे हैं वो भी आप देखो। गौरव हमारे साथ विश्वासघात किए। कि पैसे जो है, जो डोनेशन आए हैं, अपने बीवी के नाम, अपने भाई के नाम और अपने नाम, ये अकाउंट नंबर दे रखे थे, उसमें पैसे आए हैं। बिल्कुल कहना चाहूँगा आपको मैं, आपने कहावत सुनी है, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, तो बाबा ने वही काम कर दिया। इसको जीरो से उठा के काम पहुँचा दिया उस बंदे ने, वासन ने, और क्या जवाब दिया उसका इनने। गौरव वासन का ये इंस्टाग्राम लाइव सुनो, जिसमें वो क्लियरली बोल रहे हैं कि बाबा के अकाउंट में, ऐसा बोल रहे हैं कि इनके अकाउंट में 20 लाख रुपए आए। उसने कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि मेरे अकाउंट में, वो बोल रहे हैं कि इनके अकाउंट में। तो भाई ये पहले आप क्लियरली सुनो, फिर उसके बाद अपना ओपिनियन दो। इनके अकाउंट में ही 20 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट आ चुका, इनके अकाउंट में ही 20 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट आ चुका। यहाँ पर थोड़े से लोगों के कमेंट पढ़ो कि ब्लॉग क्या बोल रहे हैं बाबा के बारे में। और गौरव अपने यहाँ पर अपना वो दिखा रहा है कि उसने जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो एक्सेल सीट पे दिखाया था, ये उसने थोड़ी सी गलती कर दी थी एक्सेल सीट पे दिखा के, क्योंकि लोग हैं ना वो अपने आप से पता नहीं कितना समझदार समझते हैं, तो वो क्या क्या बता देते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा नहीं कर सकता भैया, क्योंकि विश्वास ही बंदा, हमको तो लगता है कि विश्वास है, जब यहाँ से बेचारे बात कर रहे हैं, उनको भी किसी को गरीब को इतना अगर चाहता तो गरीब को हेल्प किया अगले रहे, और कह रहे कि नहीं हमें तो ऐसे करके घपलाबाजी करके भाग गए, ये कर दिया वो कर दिया। अगर घपले करना होता तो बेचारा बीच में आते ही नहीं, 10 आदमी 100 आदमी के सामने। कल भी आए कि हमारे देखा हूँ कि कल भी कि आ करके बात अगला मीडिया के सामने कई भाई लोग थे, भैया टोटल जो है वो 25 लाख रुपए आए हैं भाई। ये सुन के मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि लोगों ने पूछने की भी कोशिश नहीं करी, लोगों ने मेरा अकाउंट भी नहीं देखा, उन्होंने ये भी नहीं बोला कि आप अपना अकाउंट दिखाइए कि 25 लाख आए, और अपने आप ही एलिगेशन लगा डाली कि 25 लाख रुपए आए इसके अकाउंट में, जो कि मेरे अकाउंट की जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो लगभग 3,33,000 रुपए के आसपास है, जो कि मैंने बाबा को दे दी है। जो इनको आप सपोर्ट मत करिए, आपको पैसे की और कोई जरूरत नहीं है? नहीं जी, मुझे पैसे कोई जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई गौरव भाई ने दादा बाबा के पैसे नहीं दिए, आपके नाम पे लोगों ने भेजे हैं 2,33,677 रुपए।
अब आप यहाँ पर इस लड़की का बयान सुन लो, जो कि वो बाबा के साथ रहती है और बाबा इनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो भी आप सुनो। तो बाबा किस तरीके के आदमी हो आपको इसमें पता चलेगा। बच्चों को अनाप शनाप कहेंगे, मारेंगे पीटेंगे, करने की कहेंगे कि तू भाग जाए, ये भाग जाए, तुम किसी। दोस्तों अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि बाबा और गौरव वासन के बीच में क्या चल रहा है और उन दोनों में से कौन सा सही बंदा है और कौन जेन्युइन है अभी इस टाइम पे। पर फिलहाल अभी तक इंक्वायरी चल रही है तो इंक्वायरी में और भी बातें सामने आ जाएंगी, क्योंकि बाबा ने शिकायत कर ही दी है, कंप्लेंट कर ही दी है, तो इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी में और भी बातें सामने आएंगी। पर यहाँ पर आप देख लो जो गौरव बोल रहा चाहता है वो भी आप यहाँ पर सुन लो कि उसका पक्ष क्या है। तो मैं मानता हूँ जी, जो मैंने एक्सेल में दिखाया, एक्चुअली क्या होता है, जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसमें दो कॉलम्स होते हैं, एक होता है क्रेडिट का, एक होता है डेबिट का। तो जब आप कुछ क्रेडिट करते हैं तो डेबिट में जीरो दिखाता है, जब डेबिट करते हैं तो क्रेडिट में जीरो दिखाता है। आप ये सोच सकते हैं जो इंसान ये कह सकता है कि गौरव को हमने बुलाया नहीं था, वो क्यों आया हमारे पास वीडियो बनाने के लिए, तो वो तो आप सोचिए कि वो कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत आसान होता है किसी को डिफेम करना, किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाना, बट सच्चाई जब सामने आएगी ना आपके, तब आप सब उसको देखिएगा और आप मेरे को बताइएगा कि मैं गलत था कि सही था। जैसे कि गौरव वसन अपनी तरफ से सबूत दिखा रहे हैं कि उन्होंने कोई गबन नहीं किया, तो अगर वो सही साबित हुए तो वो सही साबित हुए तो। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही ब्लॉग के लिए।